हेलो एवरीवन, मेरा नाम रामाशीष कुमार है। आज जो है हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है लैंग्वेज को लेके। हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है, गुजराती, भोजपुरी, मैथिली और मराठी, कन्नड़, और प्लस इंडिया के अंदर आप सबको मालूम है कि बहुत सारे लैंग्वेज है। हर किलोमीटर्स के ऊपर, हर कुछ किलोमीटर्स के ऊपर लैंग्वेज जो है वेरी करता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि लैंग्वेज कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और कौन से लैंग्वेज, कैसा लैंग्वेज आपको बोलना चाहिए। क्या आपके लिए हिंदी इम्पॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, या फिर क्या आपके लिए रीजनल लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बेसिकली दोस्तों, आप सबको मालूम है कि जो है हिंदी और इंग्लिश ये सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर बोला जाता है, और बेसिकली हिंदी बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर। और अगर आपको आगे लाइफ के अंदर, और अगर बात करें कॉरपोरेट का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर बात करें कॉरपोरेट का, तो कॉरपोरेट के अंदर जो है आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो आपको जो है वहाँ कॉरपोरेट के अंदर जो बहुत बड़े जो CEOs होते हैं, जो बड़े कंपनीज़ के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो वो लोग बेसिकली जो है इंग्लिश में ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। तो कॉर्पोरेट में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ऑब्वियसली यस, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज मस्ट। ठीक है, और अगर आपको हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है, या फिर हिंदी आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, तो आपके लिए जो भी जो आपके हिंदी बोलने वाले जो फील्ड है, उनमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर को आपने देखा है कि हिंदी में वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आप सबको बता दूँ, गुजराती है और बंगाली है, प्लस मराठी है, और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ये मेनली 4-5 लैंग्वेज जो है मोस्टली सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर बोला जाता है, आप सबको मालूम है। और तो सबसे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि अगर आपको लैंग्वेज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज अगर आपको आता है, ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। एज अ एडुकेटर, एज अ टीचर, मैं आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, या फिर इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और रीजनल लैंग्वेज सपोज़, तो दोस्तों अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, सपोज़ कीजिए कि आप दिल्ली से हैं, सपोज़ कीजिए कि आपको जो है दिल्ली में मोस्टली हिंदी, इंग्लिश और यहाँ का लैंग्वेज चलता है, तो आपको रीजनल लैंग्वेज, यहाँ का रीजनल लैंग्वेज हो गया हिंदी। अगर सपोज़ आप कहीं पे यूपी और बिहार साइड में जाते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जो है मैथिली और भोजपुरी लैंग्वेज बोला जाता है, और वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो बोला जाता है। तो अगर आपको रीजनल लैंग्वेज के साथ, अगर आप कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, कहीं छोटे सिटीज से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास एक रीजनल लैंग्वेज भी होगा, और साथ में आपके पास एक हिंदी, इंग्लिश आप जानेंगे ही। और अगर आप अच्छे कॉलेजेस, अच्छे जगह पे पढ़ाई कर रहे थे, हिंदी इंग्लिश तो आपका अच्छा ही होगा, और प्लस एक आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। फॉर एग्जांपल्स के लिए, जैसे मैं बिहार से हूँ, और मुझे जो है कौन कौन से लैंग्वेज आता है मैं आप सबको बताता हूँ। मुझे हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथिली आता है, भोजपुरी आता है, मुझे 4 लैंग्वेज आता है। अब आप ये बोलोगे कि 4 लैंग्वेज आपको आता है, और मैं 2-3 और ऐसे लैंग्वेज हैं जिसको मैं समझ सकता हूँ। अगर आप बोलोगे तो आप मैं उस चीज़ को ट्रांसलेट करके आपको बता सकता हूँ। जैसे बंगाली कोई इंसान अगर बोल रहा हो, तो मैं उसको बोल के, उसको सुन के मैं आपको बता दूंगा हिंदी में कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। और फॉर एग्जांपल्स के लिए गुजराती अगर कोई गुजरात में है, और अगर वो कोई गुजराती बोल रहा है, तो मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं अपने MBA का पढ़ाई कर रहा था गुजरात के अंदर, तो मुझे भी लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा था कि वहाँ पे जब मेरा जॉब लगा, पहला जॉब गुजरात के अंदर लगा था, तो वहाँ पे जब मैं डोर टू डोर वहाँ पे हम लोग जाते थे, जब कोई कैंपेनिंग होता था तो वहाँ पे जाते थे, तो लोगों से बात करते, तो वो गुजराती में बात करते थे। तो कुछ दिन धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम हुआ, पर धीरे धीरे मैं उनके बातों को समझना शुरू हो गया, और मुझे लगा कि नहीं, ये भी एक लैंग्वेज है, इसे भी सीखना चाहिए। तो लैंग्वेज कोई भी इतना बहुत बड़ा चीज़ें नहीं है, लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। अगर आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखिए। अभी तो आप सबको पता है, इंडिया में बहुत सारा क्रेज़ है लोगों के अंदर, क्रेज़ ये है कि लोग जो है फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, अदर लैंग्वेज भी सीखते हैं वो स्कूल के अंदर, राइट?
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नंबर वन कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखे और बहुत अच्छे तरीके से सीखे, और हिंदी भी बोलिए तो बहुत अच्छे तरीके से, इंग्लिश बोलिए तो बहुत अच्छे तरीके से, और रीजनल लैंग्वेज, आपका रीजनल लैंग्वेज भी आता है तो आप रीजनल लैंग्वेज को भी एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।